आज के अपने इस बेहद खास एपिसोड में हम बात करेंगे देश के उस शूरवीर की जिसने देश के बाहर जाकर सात समंदर पार भारत का नाम रोशन किया, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। 1961 की बात है, कांगो अफ्रीका में यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां शांति बनाने के लिए भेजी गई थी। भारतीय सेना भी उसी यूएन पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा थी। गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के साथ कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया वहां पहुंचे और कैसे उन्होंने तिरंगा वहां गाढ़ा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 1961, अफ्रीका महाद्वीप का देश कांगो। 4700 crack Indian combat troops pack up for a new assignment. कांगो उन दिन सिविल वॉर जैसे हालात से गुजर रहा था। बेल्जियम की सेना के वहां से जाने के बाद देश में हालात बदतर हो गए थे। विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा था। हालात इतने खराब थे कि यूनाइटेड नेशंस ने शांति बहाली करने के लिए सेना भेजी। इसी सेना में भारत के भी करीब 3000 सैनिक कांगो पहुंचे। The first Indians to arrive consist of Gurkha riflemen, among the world's toughest fighters. इन्हीं में से एक थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। सलारिया गोरखा रेजिमेंट में थे। वो अपनी बटालियन के साथ कांगो के कटांगा में तैनात थे। नवंबर 1961 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि कांगो में विद्रोही कटांगी लड़ाकों को नेस्तनाबूद किया जाए। इससे कटांगा विद्रोहियों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। यूएन की सेना के खिलाफ उनकी नफरत कई गुना बढ़ गई। 5 दिसंबर 1961 को गोरखा राइफल्स के जवानों ने एक खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन से कटांगो विद्रोहियों के रोड ब्लॉक को खत्म कर दिया। लेकिन इसी दौरान विद्रोहियों ने कैप्टन सलारिया की कंपनी पर भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। कैप्टन सलारिया की कंपनी पूरी तरह घिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने विद्रोहियों पर पलटवार शुरू कर दिया। गोरखाओं ने संगीनों, खुकरी और ग्रेनेड से हमले शुरू कर दिए, लेकिन इस लड़ाई में कैप्टन सलारिया और उनके जवानों को भी काफी नुकसान हुआ। कैप्टन सलारिया खुद बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, इसके बावजूद भी वो लड़ते रहे जब तक कि वो युद्ध के मैदान में गिर नहीं गए। बहुत ज्यादा खून बह चुका था, कैप्टन सलारिया शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले कैप्टन सलारिया और उनके सैनिकों ने 40 विद्रोहियों को मार डाला, असलहों से लैस उनकी दो गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। दुश्मन को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस वीरता का असर यह था कि विद्रोही एलिजाबेथ विले में यूएन हेडक्वार्टर तक पहुंचने में नाकाम रहे। कैप्टन सलारिया और उनकी गोरखा रेजिमेंट ने देश से दूर भी तिरंगे की शान बनाए रखी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।